रागद्वेश विजेता रंग ज्ञाता रंग विश्ववस्तु ना सक्र पूज्य गिरामे सम सं तीर्थे समस्तुति माने पन्नगे च सुनेंद्रे च काउसिके पाद संस्कृति निर्विशेषण मनस्काय श्री वीर स्वामीने नमः तो वेलकम टू अवर इलेवेंथ क्लास ऑफ तीर्थंकर चरित्र सो इन दिस क्लास वी विल कंप्लीट द जीवन चरित्र ऑफ भगवान ऋषभदेव सो दिस इज अवर इलेवेंथ क्लास अने इन दिस क्लास यू नो वी विल कम्प्लीट द जीवन चरित्र ऑफ भगवान ऋषभ देव अने इन द नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट विद भगवान अजित जीवन चरित्र तो लास्ट क्लास में यू नो वी आर डिस्कसिंग अबाउट ज्ञान एंड लेट्स ब्रीफली रिवाइज वॉट वी डिस्कस इन द लास्ट क्लास एंड देन यू नो वी विल डिस्कस अबाउट श्रुत ज्ञान तो लास्ट क्लास में हमने मति ज्ञान के बारे में देखा था और ये क्लास में वील डिस्कस अबाउट श्रुत ज्ञान तो uh, हमने uh, देखा था कि ज्ञान वो देर आर एट टाइप्स ऑफ ज्ञान uh, और ये ज्ञान वो uh, सम्यक दर्शन की अपेक्षा से है तो शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि जो भी ज्ञान मिथ्या दृष्टि का है जो भी जीव पहले गुणस्थानक में है उसका सभी ज्ञान अज्ञान होता है तो मिथ्या दृष्टि जीव जो जो पहले गुणस्थानक में है उनको तीन मैक्सिमम ज्ञान हो सकते हैं और उसको मति अज्ञान बोलते हैं श्रुत अज्ञान और अवधि अज्ञान या विभंग ज्ञान और जो फोर्थ गुणस्थानक में है जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया हो उसका ज्ञान ही सम्यक ज्ञान होता है और उसके पांच ज्ञान है डिविजन से ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान मनोपर ज्ञान और, और केवल ज्ञान तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि ज्ञान दो टाइप के होते हैं एक है प्रत्यक्ष ज्ञान और दूसरा है परोक्ष ज्ञान परोक्ष मतलब इनडायरेक्ट और प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट तो जो ज्ञान हमको इंद्रिय और मन से होता है वो सब परोक्ष ज्ञान है क्योंकि इट्स इनडायरेक्ट राइट हमको किसी की सहायता की अपेक्षा होती है तो अपने जो पांच इंद्रिय है और अपना मन है उसके द्वारा जो ज्ञान होता है उसको परोक्ष ज्ञान कहते हैं तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान दोनों परोक्ष ज्ञान है और जो ज्ञान हमको डायरेक्ट होता है आत्मा से होता है उसमें उसमें इंद्रियों की जरूरत नहीं होती है और न मन की जरूरत होती है वो आत्मा का डायरेक्ट ज्ञान है उसको प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं तो अवधि ज्ञान मनःप्रज्ञान और केवल ज्ञान वो तीन प्रत्यक्ष ज्ञान है तो लास्ट टाइम वी वर डिस्कसिंग अबाउट मति ज्ञान तो मति ज्ञान मतलब क्या तो पांच इंद्रियों और मन से होने वाला विषय का सामान्य ज्ञान तो विषय पदार्थ या वस्तु का जो भी सामान्य कक्षा का ज्ञान है उसको मति ज्ञान कहते हैं तो जैसे हम आंख से देखते हैं आंख से रूप का ज्ञान फिर उसके बाद आ, अपने जो नाक है उससे गंध का ज्ञान उसके जीप से रस का ज्ञान त्वचा से स्पर्श कान से शब्द का ज्ञान और मन में जो भी संकल्प और विकल्प जो उठते हैं वो सभी मति ज्ञान के प्रकार है सो तो वस्तु का सामान्य ज्ञान उसको मति ज्ञान कहते हैं तो ये मति ज्ञान सभी जीवों को होता है निगोद के जीव को भी मति ज्ञान होता है एक इंद्रिय बेइंद्रिय तेइन्द्रिय चौर इंद्रिय और पंच इंद्रिय सभी जीवों को मति ज्ञान अवश्य होता है फिर उसके बाद है श्रुत ज्ञान ये श्रुत ज्ञान भी परोक्ष ज्ञान है और ये भी इंद्रियों और मन से होता है पर यह विशिष्ट ज्ञान है तो ये पदार्थ या वस्तु का जो विशिष्ट ज्ञान होता है उसको श्रुत ज्ञान कहते हैं तो ये श्रुत ज्ञान हमको पढ़ने से प्राप्त होता है शास्त्र अभ्यास करने से प्राप्त होता है या गुरु के वचन सुनने से हमको ये प्राप्त होता है तो श्रुत ज्ञान मात्र संगनी पंच जीव को ही उत्पन्न होता है तो और जो जीव को श्रुत ज्ञान होता है उसको मति ज्ञान पहले अवश्य होता है तो पहले मति ज्ञान होता है उसके बाद ही विषय का श्रुत ज्ञान होता है तो कोई भी वस्तु या चीज का विशिष्ट ज्ञान उसको श्रुत ज्ञान कहते हैं तो तो हम ब्रीफली देख लेते हैं लास्ट टाइम हमने हमने मति ज्ञान के बारे में देखा था तो मति ज्ञान के दो डिविजन्स है एक श्रुत निश्रित ज्ञान और दूसरा है अश्रुत निश्रित मति ज्ञान तो श्रुत निश्रित मति ज्ञान अर्थात कि जो हमको वस्तु का हमको पहले उसका अनुभूति हो चुका है पहले हमने देखा हो सुना हो पर वर्तमान में हम उसको भूल गए हो पर उसके संस्कार अपने आत्मा में पड़े हैं पहले हमने जो चीज देखी है सुनी है तो उसके संस्कार अपने आत्मा में पड़े हैं तो वर्तमान में वो पूर्व संस्कार के कारण जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसको श्रुत निश्चित ज्ञान कहते हैं ओके और दूसरा है अश्रुद्ध निश्चित मति ज्ञान अशुद्ध निश्चित मत ज्ञान मतलब पहले हमने कभी देखा नहीं है सुना नहीं है पहले उसका अनुभव नहीं किया है और वर्तमान में जो हमको ज्ञान उत्पन्न होता है पूर्व के संस्कार के बिना उसको अश्रुत निश्चित मत ज्ञान कहते हैं तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि श्रुत निश्चित जो मति ज्ञान है उसके उसके बेसिक फोर डिविजन्स है उसमें पहला है अवग्रह इ और धारणा अवग्रह के भी दो डिविजन्स है एक है व्यंजन आग्रह और दूसरा है अर्थाग्रह और दूसरा है उसके बाद है या अपाय और धारणा और जो अश्रुत निश्चित ज्ञान है उसके भी चार डिविजन्स है औपताप्त की वैनयिकी कार्मिकी और पारिणामिकी तो हमने लास्ट टाइम ये श्रुत निश्चित ज्ञान एक एग्जाम्पल एक के द्वारा हमने समझा था तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमको शास्त्र में दिया गया है तो पहला हमने देखा अवग्रह अवग्रह मतलब क्या कि कोई भी चीज़ का एकदम अस्पष्ट सामान्य ज्ञान एकदम अस्पष्ट मतलब इ, आ, इतना इतना हमको पता नहीं है पर एकदम अस्पष्ट कोई भी विषय का सामान्य ज्ञान होता है उसको अवग्रह कहते हैं और उसमें व्यंजन आग्रह है और अर्थ आग्रह है फिर उसके बाद इहा यह मतलब कोई क्वेश्चन होना अपाय मतलब उस क्वेश्चन का आंसर मिलना निर्णय होना और धारणा मतलब वो जो हमको आंसर मिला है अपाय के द्वारा उसको हृदय में स्थिर करना उसको धारणा कहते हैं तो हमने लास्ट टाइम जो एग्जाम्पल देखा था वो एक अच्छा एग्जाम्पल है समझने के लिए कि हम अगर सो रहे हैं राइट और हमको किसी ने आवाज दिया तो पहली बार आवाज दिया हम उठे नहीं दूसरी बार हमको आवाज दिया उठे नहीं तीसरी बार आवाज दिया उठे नहीं पर हमको जब चौथी बार आवाज दिया हम उठ गए तो जो पहले तीन बार हमको आवाज दिया वो वो हमको जो, शब् तो जो शब्द के पुतगल हमारे कान में गए और हमको कुछ हमको महसूस हुआ हमको पता चला कि कुछ हो रहा है ऐसा अस्पष्ट ज्ञान उसको अवग्रह कहते हैं ओके? उसको कहते हैं। ऐसा अस्पष्ट ज्ञान कि कोई, कोई मुझे बुला रहा है या कोई मुझे कुछ कर रहा है ऐसा अस्पष्ट ज्ञान और उसके बाद जब चौथे आवाज में हम उठ गए तब तब हमको पता चला कि किसने मुझे बुलाया तो उसको अर्थावग्रह कहते हैं ओके okay? तो व्यंजन आग्रह जो होता है वो मैक्सिमम एक अंतर मुहूर्त तक होता है फोर्टी एट मिनट्स तक वो मैक्सिमम होता है और अर्थाव अग्रह वो मात्र एक समय का होता है तो जो निर्णय होता है वो मात्र एक समय का होता है फिर उसके बाद अवग्रह के बाद हमको इहा होता है इहा मतलब क्वेश्चन तो जैसे हम उठ गए तो पहला हमको क्वेश्चन आएगा कि किसने मुझे बुलाया ये स्त्री का आवाज़ है या पुरुष का आवाज़ है उसको इहा कहते हैं और उसके बाद ईहा के बाद अपाय होता है अपाय मतलब उसका निर्णय तो हम हम सोचते हैं और पता चलता है कि मेरे को किसी स्त्री ने बुलाया और यह और अपाय का एक साइकिल चलता है, है जब तक हमारी जिज्ञासा है जब तक हमारी सभी आंसर्स नहीं मिल गए तब तक ईहा और अपाय का एक साइकिल चलता है तो उसके बाद अपाय के बाद वापस हमको यह होता है कि ठीक है स्त्री का आवाज़ है पर किसका आवाज़ है मेरी माता का आवाज़ है या मेरी पत्नी का आवाज़ है उसके बाद अपाय होता है कि वाकई वाकई में मेरी माँ का आवाज़ है फिर उसके बाद वापस यह होता है कि क्यों मुझे उठाया और उसके बाद अपाय होता है कि ठीक है मुझे यहाँ पे ये जगह पे पहुंचना है इसलिए माता ने उठाया तो ऐसा यह और अपाय का एक साइकिल चलता है और उसके बाद हमको धारणा होता है धारणा मतलब वो हमको हृदय में स्थिर हो जाता है तो 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 दूसरा एग्जाम्पल भी शास्त्र में दिया गया है जैसे हम कोई सूत्र को, को कंठस्थ करते हैं जब हम कंठस्थ करते वो सब अ, अपाय है ओके हम जब कंठस्थ करते वो सब अपाय है और उसके बाद कंठस्थ करने के बाद हम हम उसको एक अंतर मुहूर्त तक हृदय में स्थिर करते अपने मन में स्थिर करते उसको धारणा कहते हैं ओके okay? तो आ, ये सब है श्रुत निश्रित मति ज्ञान और धारणा भी थ्री टाइप्स के हैं हम जब एक अंतर मुहूर्त तक उसको कॉन्स्टेंटली दोहराते हैं तब आ, तब उसको हम भविष्य में उसको याद कर सकते हैं उसको अविच्युति कहते हैं और जो संस्कार अपने आत्मा में पड़ते हैं उसको वासना कहते हैं और भविष्य में वो चीज़ याद आना उसको स्मृति कहते हैं राइट जैसे हमने कोई गाथा घोखा और 48 मिनट्स तक हमने उसको याद किया तो उसको अविच्युति कहते हैं उसके संस्कार जो आत्मा में पड़े उसको वासना कहते हैं और हमको एक महीने के बाद हमको किसी ने बोलने को कहा वो गाथा तो हम वो अपने स्मृति से बोल सकते हैं तो उसको स्मृति कहते हैं तो ये सभी मति ज्ञान के प्रकार है और दूसरा देखा था जो अश्रुद निश्चित मति ज्ञान उसके भी चार प्रकार है और उसमें पहला देखा था कि औपताकि की, की मतलब औपताकि की, की मतलब अपनी होशियारी अपनी बुद्धि जैसे हम शास्त्र में देखते हैं बीरबल की बुद्धि या फिर अभय कुमार की बुद्धि यू नो तो वो औपताक्य की, की बुद्धि है वो अकस्मात हजर जवाबी उसको बोलते हैं दूसरा हमने देखा था विनय की बुद्धि मतलब जो गुरु महाराज साहब के विनय से प्राप्त होता है हम जब गुरु महाराज साहब के पास हम शास्त्र पढ़ते हैं तब गुरु महाराज साहब अपने पे अनुग्रह करते हैं और अपने उस विनय से गुरु महाराज साहब के अनुग्रह से एक प्रकार की हमको एक बुद्धि एक परिणति प्राप्त होती है उसको विनय की बुद्धि कहते हैं फिर उसके बाद एक है की बुद्धि की मतलब काम करते करते हम जैसे खाना बनाते हैं या पेंटिंग कोई आर्टिस्ट अगर पेंटिंग करता हो तो वो करते 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 उसको एक बुद्धि प्राप्त होती है उसको की बुद्धि कहते हैं और लास्ट है परिणामी की बुद्धि परिणाम की बुद्धि मतलब एक्सपीरियंस राइट मतलब अपने पेरेंट्स अपने से काफी एक्सपीरियंस्ड है तो उनकी बुद्धि हमारे से ज्यादा होती है कोई चीजों में तो उसको परिणाम की बुद्धि कहते हैं ओके? Okay? तो ये सब मति ज्ञान में देखा था तो ज्ञान के टोटल थर्टी टू भेद है हमने जो श्रुत निश्चित मति ज्ञान के ट्वेंटी एट भेद और अश्रुत निश्चित ज्ञान के फोर भेद और टोटल थर्टी टू भेद तो इस क्लास में हम श्रुत ज्ञान के बारे में देखते हैं तो हमने देखा कि श्रुत ज्ञान भी एक परोक्ष ज्ञान है राइट वो इंद्रियों और मन के द्वारा उत्पन्न होता है तो उसको श्रुत ज्ञान कहते हैं तो शास्त्र में श्रुत ज्ञान के 14 14 डिविजन्स बताए हैं वो कर्म ग्रंथ में बताया है और औ, 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 और एक अपेक्षा से 14 डिविजन्स है जो आज हम कवर करेंगे और दूसरी अपेक्षा से ट्वेंटी डिविजन्स है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे पर ये क्लास में विल सी अबाउट द फोर्टीन डिविजन्स ऑफ श्रुत ज्ञान और बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक तो कोई भी विषय वस्तु का विशिष्ट ज्ञान उसको श्रुत ज्ञान कहते हैं और वो हमको शास्त्र अभ्यास पुस्तक पढ़ने से या किसी और गुरु महाराज साहब के वचन या किसी के वचन सुनने से हमको ये श्रुत ज्ञान प्राप्त होता है और यह श्रुत ज्ञान मात्र संगनी पंच जीव को ही उत्पन्न होता है और देव और नारकी के जीवों को भी होता है तो श्रुत ज्ञान समझने के लिए पहले हमको दो टर्म्स हमको समझनी पड़ेगी एक अभिलाभ्य भाव और दूसरा है अन अभिलाभ्य भाव अपने जगत में अपने संसार में दो टाइप के भाव होते हैं। एक अभिलाभ्य भाव और दूसरा है अन अभिला्य भाव तो अभिलाभ्य भाव क्या है तो कोई भी चीज हम बोलने के द्वारा हम लिखने के द्वारा दूसरों को समझा सकते हैं उसको अभिलाभ्य भाव कहते हैं जैसे मैं अभी आज मैं वा वाचना दे रहा हूँ तो ये वाचना मैं आपको समझा सकता हूँ तो वो सब, वो सभी अभिलाव्य भाव है पर जो चीज हम शब्दों द्वारा लिखने के द्वारा हम, हम उसको समझा नहीं सकते उसको अन अभिलाभ्य भाव कहते हैं फॉर एग्जाम्पल कोई हमको पूछे कि घी का स्वाद कैसा है तो हम उसको शब्दों द्वारा उसको समझा नहीं सकते हम कितना भी ट्राई करें फिर भी वी वोट बी परफेक्ट तो उसको अन अभिलाभ्य भाव कहते हैं तो उसको मात्र अनुभूति अगर कोई घी का टेस्ट करे तो तो ही उसको पता चलता है कि घी का स्वाद कैसा है उसको हम कितना भी समझाएं हम उसको समझा नहीं सकते कोई फॉर एग्जाम्पल हम गुरु महाराज के पास गए और गुरु महाराज का जिसने आत्मा की अनुभूति की है हम उसको पूछे कि आत्मा का आनंद कैसा है तो गुरु महाराज साहब कितना भी ट्राई करें वो हमको समझा नहीं सकते आत्मा का आनंद कैसा है वो मात्र अनुभूति के द्वारा ही हम उसको पता कर सकते हैं तो ये ये सभी भाव अन भाव है ओके तो इस संसार में जो अभिलाभ्य भाव है वो अनंत है देर आर अनंत इनफाइनाइट अभिलाभ्य भाव और जो अन अभिलाभ्य भाव है वो अनंत अनंत -anant है इनफाइनाइट टाइम्स इनफाइनाइट जो जो हम शब्दों से समझा नहीं सकते शब्दों से लिख नहीं सकते वो इनफाइनाइट टाइम्स इनफाइनाइट है और जो हम शब्दों से समझा सकते वो मात्र इनफाइनाइट है और ये जो इनफाइनाइट अभिलाभ्य भाव है उसमें से मात्र इनफाइनाइट टाइम्स लेस मतलब उसका इनफाइनाइट भाग ही द्वात सांगी में गंधर्व भगवंत उसकी रचना करते हैं तो द्वात सांगी में जो भी ज्ञान है वो अभिलाभ्य भाव का भी इनफाइनाइट टाइम्स लेस वो ज्ञान है ओके तो इतना कम ज्ञान एक्चुअली हमारे पास है ओके तो तो पूरी द्वासांगी में इनफाइनाइट टाइम्स लेस ज्ञान जो अभिलाभ्य भाव का जो ज्ञान है तो अभी जो श्रुत केवली होते जो श्रुत केवली मतलब जिसको पूरे द्वादांगी का नॉलेज होता है जिसको पूरे चौदह पूर्व और बारह अंग का नॉलेज होता है तो एक श्रुत केवल ही होता है दूसरा श्रुत केवल ही होता है तो द्वात की अपेक्षा से अभिलाभ्य भाव की अपेक्षा से उसका ज्ञान समान होता है एक श्रुत केवल का ज्ञान और दूसरे श्रुत का ज्ञान समान होता है। अगर अनिलभ्य भाव की अपेक्षा से उनका भाव उनका ज्ञान समान नहीं होता है तो तो एक एक श्रुत केवल का ज्ञान इनफाइनाइट टाइम्स दूसरे श्रुत केवली के ज्ञान की अपेक्षा से हो सकता है इन अनुभूति का ज्ञान उसको अनिलभ्य ज्ञान कहते हैं जो जैसे अपने ग्यारह गणधर गणधर भगवान थे उनका ज्ञान जो बाकी के पूर्वाचार्य हो गए उन, उनसे इंफाइन टाइम्स ज्यादा होगा क्योंकि उनका अनुभूति का ज्ञान ज्यादा है ओके तो वो एक बात समझनी चाहिए श्रुत ज्ञान समझने के लिए तो अपने श्रुत ज्ञान के फोर्टीन डिविजन है ओके तो पहला डिवीजन है उसको अक्षर श्रुत कहते हैं ओके okay, अक्षर श्रुत दैट इज द फर्स्ट डिविजन और सेकेंड डिविजन है अन अक्षर श्रुत तो फर्स्ट एंड सेकंड डिविजन है अक्षर श्रुत और दूसरा है श्रुत श्रुत तो, तो अक्षर अक्षर क्या है श्रुत मतलब जो भी हम दूसरे को आ, बोलने के द्वारा या लिखने के द्वारा उसको समझा सकते हैं या खुद समझ सकते हैं उसको अक्षर श्रुत कहते हैं ओके okay? तो अक्षर श्रुत के तीन डिविजन है संज्ञाक्षर व्यंजनाक्षर और लब्ध्य अक्षर ओके okay? तो पहला है संज्ञा अक्षर तो जो भी हम श्रुत ज्ञान जो भी हम लिपिबद्ध कर सकते हैं मतलब उसको शास्त्र में हम लिख सकते हैं उसको संज्ञाक्षर कह, कहते हैं तो जो भी अपनी भाषा है हिंदी गुजराती संस्कृत प्राकृत उर्दू इंग्लिश इस संसार में जो भी भाषाएं है वो हम उसको पुस्तक में लिख सकते हैं वो सभी अक्षर हुआ और वो हुआ संज्ञा अक्षर श्रुत फिर जो दूसरा है वो है अक्षर व्यंजनाक्षर मतलब जो बोलने के द्वारा हम दूसरों को समझा सकते हैं उसको व्यंजनाक्षर कहते हैं okay? ओके जो जो भी अपने स्वर्स है जो भी अपने अल्फाबेट्स है जो भी अपने साउंड्स है उसको व्यंजनाक्षर कहते हैं अगर तुमने लघु शिव चक्र पूजन अगर किया हो तो तुमको याद होगा कि हम ये व्यंजन सभी अक्षर का हम पूजा करते हैं राइट right? तो इसमें फिफ्टी टू टाइप्स ऑफ व्यंजन और, आते। और स्वर्स आते हैं देर आर थर्टी थ्री व्यंजन और फोर्टीन स्वर तो उसमें जो क ख जो आते हैं वो सब व्यंजन व्यंजन है और ई वो सब स्वर से तो ये सभी जो व्यंजन और स्वर्स है जो हम बोलने के द्वारा दूसरों को समझा सकते उसको व्यंजनाक्षर कहते हैं जो लिखने के द्वारा समझा सकते उसको है उसको संज्ञाक्षर कहते हैं और बोलने के द्वारा समझा सकते उसको व्यंजनाक्षर कहते हैं फिर ये जो संज्ञाक्षर और जो व्यंजनाक्षर है वो सभी पुतगलात्मक है बेसिकली वो भाषा वर्गन के वो पुद्गल है Right? तो हम 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 पुस्तक पढ़ते हैं हैं या गुरु महाराज के पास हम वाचना सुनते तो वो सभी हम भाषा वर्गण के पुद्गल हम ग्रहण करते हैं तो वो सब हुआ द्रव्य श्रुत उसको द्रव्य श्रुत शु, कहते हैं पर उसके बाद वो सुनने के बाद हमको जो अपने आत्मा में उसका अर्थ बोध होता है उसका मीनिंग का हमको ख्याल आता है उसकी हमको परिणति होती है उसको भाव अक्षर कहते हैं या अक्षर ओके okay? तो तो जो भी अपनी आत्मा में जो अर्थबोध होता है परमार्थ हम जानते हैं उसको भाव अक्षर या अक्षर कहते हैं और संज्ञा अक्षर और अक्षर वो द्रव्य श्रुत है है तो ये पहला डिवीजन श्रुत श्रुत ज्ञान का उसको अक्षर कहते हैं और दूसरा जो डिवीजन है श्रुत ज्ञान का उसको अन अक्षर श्रुत कैसे कहते हैं जो हम किसी को बोलने के द्वारा उसको लिखने के बिना या बोलने के बिना उसको हम समझा सकते हैं फॉर एग्जाम्पल हमको स्नीजिंग आए उधरस आए हम सपोज ताली बजाए कोई परफॉर्मेंस के बाद तो वी आर कन्वेइंग अ मैसेज वी आर टेलिंग दर कि यू डिड अ गुड जॉब तो वो सब अन अक्षर श्रोत है हम उसको लिपिबद्ध नहीं कर सकते नहीं उसको कोई व्यंजन या उसको बोल बोल के उसको समझा सकते उसको अन अक्षर श्रुत कहते हैं तो फॉर एग्जाम्पल अपने अपने घर में कोई कोई फॉर एग्जाम्पल मेहमान आए हमने अगर बाहर उसका वेलकम का बोर्ड लगा लगाया है तो हम वो उसको अक्षर कहते हैं राइट हम वेलकम बोर्ड उसको लिखने के द्वारा मेहमान को बोल रहे हैं कि तुम अंदर आओ कि यू आर वेलकम तो उसको अक्षर कहते हैं अगर उसको हम हम बोल के उनको बुलाए कि आओ अंदर आओ पधारो तो उसको अक्षर कहते हैं और हम जो उसको उसको जो इससे जो अर्थ बोध होता है उसको भाव भाव अक्षर या अक्षर कहते हैं पर अगर हम कुछ बोले नहीं सिर्फ उसको इशारा से अंदर आने को बोले तो भी उसको वो सेम मीनिंग का उसको एहसास होगा हम हाथ से उसको इशारा दे कि आ जाओ घर के अंदर तो वो अन अक्षर श्रुत हुआ ओके तो श्रुत ज्ञान के दो डिविजन्स है एक, एक अक्षर श्रुत और दूसरा दुख्रा, दूसरा है अन अक्षर श्रुत ओके और कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे बीच में पूछना फिर उसके बाद थर्ड डिवीजन एंड फोर्थ डिवीजन है संगनी श्रुत और असंगनी श्रुत ओके संगनी मतलब क्या संज्ञा मतलब क्या संज्ञा मतलब अपना मन या अपना बुद्धि ओके उसको उसको संज्ञा कहते हैं तो हम तुमको जीव विचार में शायद पता होगा कि कि जीव दो टाइप के होते हैं एक संगनी जीव होते हैं और दूसरे असंगनी जीव होते हैं राइट जिसके पास मन होता है उसको संगनी कहते हैं और जिसके पास मन नहीं होता है उसको असंगनी कहते हैं तो ये कर्म ग्रंथ में इसका काफी डिटेल्स दिया गया है कि संगनी क्या होता है और असंगनी क्या होता है तो तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ संज्ञा ओके पहला है हेतोवादोपदेश दूसरा है दीर्घ की और थर्ड है दृष्टिवादोपदेश तो की तो थ्री टाइप्स की संज्ञा होती है और जो सेकंड टाइप की जो संज्ञा है दीर्घ की उसकी अपेक्षा से ये डिविजन पाड़े है कि कोई जीव संज्ञी है कोई जीव असंगी है तो पहला पहला जो डिवीजन है उसको हेतो वादोपदेशी की संज्ञा कहते हैं तो हेतोवादो संज्ञा मतलब क्या उसका मतलब कि ये जीव को ये जो संज्ञा होती है वो मात्र वर्तमान काल का विचार कर सकता है वो भूतकाल का विचार नहीं कर सकता है न ही भविष्य काल का विचार कर सकता है तो जो भी एक इंद्रिय जीव है बेइंद्रिय तेइंद्रिय चौर और असंगनी पंच इंद्रिय वो मात्र वर्तमान काल का विचार कर सकते हैं वो भूत और भविष्य का फ्यूचर और पास्ट का विचार नहीं कर सकते तो ऐसी टाइप को संज्ञा को हेतो वादोपदेश की संज्ञा कहते हैं फिर दूसरी जो संज्ञा है उसको दीर्घकालिकी संज्ञा कहते हैं दीर्घकालिकी संज्ञा मतलब वो वर्तमान काल के साथ भूत और भविष्य का भी विचार कर सकते हैं तो जो भी हमारे जैसे संगनी पंचेंद्रिय जीव है वो सभी की संज्ञा दीर्घकालिकी संज्ञा है मतलब हम पास्ट और प्रेजेंट दोनों का विचार कर सकते हैं और 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 इस दीर्घ की संज्ञा की अपेक्षा है अपेक्षा से जीव को संगनी कहते हैं और जीव को असंगनी कहते हैं जिसके पास दीर्घ कालिक की संज्ञा होती है उसको संघनी कहते हैं और जिसके पास दीर्घ कालिक की संज्ञा नहीं होती है उसको जीव कहते हैं और जो थर्ड टाइप ऑफ संज्ञा है उसको दृष्टि की संज्ञा कहते हैं जो जो भी जीव फोर्थ गुणस्थानक में है जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया हो वो भूत और भविष्य का तो विचार कर सकते हैं उसके साथ साथ वो आत्मा के हित और अहित का भी विचार कर सकते हैं जो वितराग परमात्मा है भगवान महावीर भगवान ऋषभदेव जो जो छदमस्त अवस्था में है अभी तक उनको केवल ज्ञान नहीं मिला है उनकी संज्ञा दृष्टि वादोपेषी की संज्ञा होती है जैसे अपने साधु महाराज है जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया हो उनका जो थिंकिंग है वो काफी एडवांस्ड होता है और वो पास्ट और फ्यूचर के साथ अपने आत्मा का हित और हरित का भी उनको ख्याल होता है तो ऐसी टाइप की उच्च संज्ञा जो फोर्थ गुणस्थानक से ट्वेल्थ गुणस्थानक के जीव को होती है उसको दृष्टि वादोपी की संज्ञा कहते हैं तो श्रुत्र ज्ञान के दो डिवीजन है एक संगनी श्रुत ज्ञान और दूसरा है असंगनी श्रुत तो जिसको दीर्घ कालिक की संज्ञा होती है उसका श्रुत ज्ञान संगनी श्रुत ज्ञान होता है और जिसको सेकंड दीर्घ कालिक की संज्ञा नहीं होती है उसका जो श्रुत ज्ञान होता है उसको असंगनी श्रुत ज्ञान कहते हैं तो संगनी पंचेंद्रिय जीव को संगनी श्रुत ज्ञान होता है और एक इंद्रिय बेन्द्रिय तेहेंद्रिय चौरेंद्रिय और असंगनी पंचेंद्रीय को असंगनी श्रुत ज्ञान होता है सो दिस इज द थर्ड एंड फोर्थ डिवीजन उसके बाद फिफ्थ एंड सिक्स डिविजन श्रुत ज्ञान का सम्यक श्रुत ज्ञान और मिथ्या श्रुत ज्ञान तो, तो इसके भी इसके भी दो डिविजन से एक द्रव्य से और दूसरा भाव से तो तो जो भी शास्त्रों के जो भी रचयिता है ओके okay, और वो जो अगर सम्यक दृष्टि जीव है तो उसका लिखा गया शास्त्र उसको सम्यक श्रुत ज्ञान कहते हैं सम्यक श्रुत कहते हैं तो फॉर एग्जाम्पल हम अपनी जो कंप्लीटली जो द्वातंगी है अपने जो अभी पिस्तालीस आगम है चौथ पूर्व है वो सभी सम्यक श्रुत ज्ञान है क्योंकि उनके रचयिता वो श्रुत यू नो वो आ, सम्यक आ, उनको सम्यक दर्शन था और जो भी अपने दूसरे रिलीजन के जो शास्त्र है जैसे बौद्ध दर्शन वेदिक दर्शन सांख्यवाद उसके बाद मुस्लिम्स के क्रिश्चियनिटी के शास्त्र वो सभी मिथ्याश्रुत कहते हैं क्योंकि उनके रचयिता उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई है तो तो ये द्रव्य श्रुत हुआ तो जिस जिसके रचयिता सम्यक दृष्टि जीव है उस उनका श्रुत सम्यक श्रुत है और जिनके रचयिता उनको सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ हो उनके रचे गए शास्त्र उसको मिथ्या श्रुत कहते हैं तो अपने जो भी शास्त्र है यू नो फॉर एग्जाम्पल भद्रभा स्वामी ने जो लिखे हैं कलिकाल सर्वज ने हेमचंद्राचार्य ने सिद्धर्सिगण समाश्रमण सिद्धसेन दिवाकर सूरी महोपाध्याय यशो विजय देवचंद्र आनंद गंजी तो ऐसे जो भी शास्त्र है वो सभी सम्यक श्रुत है और जो बाकी के जो दूसरे दर्शन के जो शास्त्र है वो सभी मिथ्याश्रुत में आते हैं तो ये द्रव्य से है तो भाव से इसका मीनिंग क्या हुआ तो भाव से कि इसका मीनिंग ऐसा है कि अगर ये शास्त्र को पढ़ना वा पढ़ने वाला जीव स्वयं सम्यक दृष्टि हो तो वो अगर सम्यक श्रुत पढ़े या मिथ्याश्रुत पढ़े उसकी परिणति सम्यक की होगी तो उससे वो भाव सम्यक श्रुत कहते हैं ओके okay? तो वो जो सम्यक दृष्टि जो फोर्थ गुणस्थानक में है वो अगर अन्य दर्शन के शास्त्र भी पढ़े वो उसमें से वो सही मीनिंग वो निकाल सकता है तो वो से भाव से सम्यक श्रुत हुआ और दूसरा है भाव से मिथ्याश्रुत जो जो मिथ्या दृष्टि जीव है जो पहले गुणस्थानक में है वो कुछ भी पढ़े उसकी परिणति मिथ्या ही होगी वो द्वासांगी भी पढ़े वो पिस्तालीस आगम भी पढ़े पर उसकी परिणति निश्चय मिथ्या होगी तो वो भाव से मिथ्याश्रुत कहते हैं ओके okay? तो ज्ञान के दो डिविजन है सम्यक श्रुत और मिथ्याश्रुत फिफ्थ एंड सिक्स डिविजन कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछना फिर उसके बाद है सेवंथ एट नाइन्थ एंड टेन्थ डिविजन तो सादिश्रुत अनादिश्रुत सपर्यायवासित श्रुत और अपर्यायवासित श्रुत ओके okay? शादी श्रुत मतलब जिसका बिगिनिंग है उसको शादी श्रुत कहते हैं जो भी श्रुत ज्ञान का बिगिनिंग हो उसको शादी कहते हैं अनादि मतलब जो श्रुत ज्ञान का बिगिनिंग नहीं है उसको अनादि कहते हैं उसके बाद पर्याय वासित श्रुत जो श्रुत ज्ञान का एंड है उसको पर्याय वासित कहते हैं और वासित मतलब जो श्रुत ज्ञान का एंड नहीं है उसको वासित कहते हैं तो इसके भी फोर्थ तरीके से उसको समझना है द्रव्य क्षेत्र कार और भाव से ओके okay? तो पहले द्रव्य से तो कोई जीव अगर पहले गुणस्थानक से मिथ्या मिथ्या दर्शन दृष्टि गुणस्थानक से सम्यक दर्शन वो प्राप्त करता है फोर्थ गुणस्थान प्राप्त करता है तो उसकी अपेक्षा से वो जीव की अपेक्षा से जब वो फोर्थ गुणस्थान प्राप्त करता है तो उसका श्रुत ज्ञान का बिगनिंग होता है तो उसको सादी श्रुत कहते हैं और वो जीव अगर फोर्थ गुणस्थानक से वापस फर्स्ट गुणस्थानक में वापस वो चला जाता है तो उसको श्रुत ज्ञान का विनाश होता है अंत आता है तो उसका श्रुत ज्ञान कैसा हुआ सादी स पर्याय वासिक उसका बिगिनिंग भी है उसका एंड भी है राइट right? Uh, फिर दूसरा एग्जाम्पल अगर कोई जीव फोर्थ गुणस्थानक में आता है तो उसका श्रुत ज्ञान का बिगिनिंग हुआ पर वो वापस वो फर्स्ट गुणस्थानक में नहीं आता है वो डायरेक्ट उसको वही भव में उसको केवल ज्ञान हो जाता है तो उसका श्रुत का उसका विनाश नहीं होता है तो उसका श्रुत ज्ञान है सादी अपर्यायवासित मतलब देर इज बिगिनिंग बट देर इज नो एंड ओके सो तो उसी अपेक्षा से आ, ये ये एक जीव की अपेक्षा से हुआ अगर हम सभी जीव की अपेक्षा से देखें तो श्रुत ज्ञान का तो कोई बिगिनिंग नहीं है राइट देर आर इन्फाइनाइट उत्सर्पीणी अवसरपिनी काल पहले हो गए और भविष्य में भी इन्फाइनाइट उत्सरपीनी अवसरपिनी काल होने वाला है तो सभी जीव की अपेक्षा से श्रुत ज्ञान कैसा हुआ अनाडी अपर्यायवासित मतलब देर इज नो बिगिनिंग और देर इज नो एंड ओके okay. सो so, ये द्रव्य से हुआ फिर अगर यही चीज हम क्षेत्र से समझे तो भरत क्षेत्र और जो ऐरावत क्षेत्र है उसमें कॉन्स्टेंटली अपना साइकिल चलता है राइट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ आ रहा और वो सिक्स फाइव फोर्थ थ्री टू वन राइट तो ऐसा कॉन्स्टेंटली वो साइकिल चलता है तो क्षेत्र की अपेक्षा से भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में श्रुत ज्ञान जब तीर्थंकर तीर्थ की स्थापना करते हैं तब श्रुत ज्ञान की शुरुआत होती है और जब फिफ्थ आरा के अंत में जब अपना शासन जैन धर्म विच्छेद होता है इट कम्स टू एन एंड जब श्रुत ज्ञान का भी एंड होता है तो उसकी अपेक्षा से भरत और ऐरावत क्षेत्र की अपेक्षा से श्रुत ज्ञान कैसा हुआ शादी सपर्यावासित मतलब देर इज बिगिनिंग एंड देर इज एंड पर अगर हम महाविद्य क्षेत्र देखें तो महाविद्य क्षेत्र में कॉन्स्टेंट फोर्थ आ रहा है राइट और ये कॉन्स्टेंट फोर्थ आ रहा में तीर्थंकर परमात्मा कंटिन्यूसली होते हैं और वहां पे देर इज नो बिगिनिंग देर इज नो एंड तो महावीर क्षेत्र की अपेक्षा से श्रुत ज्ञान कैसा हुआ अनादि ओके? Okay? फिर दूसरा से कार कार मतलब टाइम तो हमने जैसे देखा कि थर्ड ये ये भरत क्षेत्र क्षेत्र में थर्ड आरा में जब ऋषभदेव भगवान का जन्म हुआ तब श्रुत ज्ञान का बिगिनिंग हुआ और जब भगवान महावीर जब निर्माण हुए और जब फिफ्थ आरा का एंड आएगा एटीन थाउजेंड ईयर्स तब श्रुत ज्ञान का एंड आएगा तो काल की अपेक्षा से भरत और ऐरावत में श्रुत ज्ञान सादी सपर्यायवासित है और महाविद्य क्षेत्र में तो कांस्टेंट एक ही काल है तो उनकी अपेक्षा से श्रुत ज्ञान अनादि अपर्यायवासित है ओके okay? और लास्ट है भाव भाव की अपेक्षा से तो भाव की अपेक्षा से ये कैसा है कि हम जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं राइट right? अपना उपयोग हम कोई शास्त्र पढ़ रहे है अपना उपयोग वो शास्त्र में है तो अपना श्रुत ज्ञान का बिगिनिंग होता है अपने उपयोग की अपेक्षा से पर हम शास्त्र पढ़ रहे एकदम ही अपना उपयोग चला गया और हम कुछ और सोचने लगे तो अपना ज्ञान कैसा हुआ सादी सपर्यासित मतलब बिगनिंग तो हुआ पर एकदम ही अपना मन कहीं और चला गया तो वो श्रुत ज्ञान का अंत आ गया तो उसको शादी सपर्यावासित कहते हैं और अपने अपने जो आत्मा में जो श्रुत ज्ञान वर्णीय की जो लब्धि है अपने जो एनर्जी है जो शक्ति है तो उसकी अपेक्षा से सभी जीव को श्रुत ज्ञानावर्णीय कर्म का शवक्षम की लब्धि होती है अभव्य जीव को भी श्रुत ज्ञानावर्णय शवक्षम की लब्धि होती है तो उस जीव की अपेक्षा से श्रुत ज्ञान कैसा हुआ अनादि अपर्यवासित तो उनका कोई बिगिनिंग नहीं है और उसका कोई एंड नहीं है ओके तो दिस इज द सेवंथ एट्थ नाइन्थ और टेंथ डिविजन उसके बाद इलेवंथ एंड ट्वेल्थ डिविजन ऑफ श्रुत ज्ञान तो हे गमिक श्रुत और अगमिक श्रुत ओके okay, गमिक श्रुत मतलब जो श्रुत ज्ञान का रिपीटेशन होता है यू नो फॉर एग्जाम्पल हम वंदितु सूत्र बोलते हैं तो वंदितु सूत्र में इतफमा या पसंगेरम या परिकमे देशियम सौम राइट हर एक गाथा में वो आता है तो वहाँ पे वो पदों का रिपीटेशन होता है तो वो सब गमिक श्रुत हुआ जहाँ पे भी जो भी रिपीटेशन आता हो उसको गमिक श्रुत कहते हैं और जो शास्त्रों में जो आगमों में जो रिपीटेशन नहीं आता है उसको अगमिक श्रुत बोलते हैं जैसे आच आचारंग सूत्र थानांग सूत्र आदि आगमों में धर इज नो रिपीटेशन एक भी पद रिपीट नहीं होता है तो उसको अगमिक श्रुत बोलते हैं उसके बाद है लास्ट टू डिविजन से अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य श्रुत ज्ञान जो अंग प्रविष्ट मतलब क्या जो तीर्थंकर परमात्मा जब शासन की स्थापना करते हैं तब वो त्रिपति गर्धन भगवान को देते हैं उपनयवा विघ्नवा धुएवा और ये त्रिपदी से घृंधर भगवंत अपने ज्ञान के उत्कृष्ट स्वयंक्षम से वो द्वात्सांगी की रचना करते हैं तो जो भी जो डायरेक्ट जो ज्ञान है जो तीर्थंकर भगवान से ग्रधर भगवंत को आया है और जो भी द्वात्ंग्य की रचना की है उसको अंग प्रविष्ट कहते हैं जो डायरेक्ट तीर्थंकर भगवान से आया है उसको अंग प्रविष्ट कहते हैं पर उसके बाद अपने जो ग्यारह घृंधर है लास्ट सुधरमा स्वामी उसके बाद जम्बू स्वामी हुए प्रभो स्वामी स्वयं भव स्वामी यशोभद्र भद्र स्वामी आदि जो आचार्य ने जो भी ग्रंथ की रचना की है उसको अंग बाह्य बोलते हैं जैसे उत्तराध्यान सूत्र निशित सूत्र दस वैकालिक सूत्र दशा शुतस्क जो भद्रभा स्वामी ने लिखा है वो सभी अंग बाह्य कहते हैं मतलब वो डायरेक्ट भगवान से नहीं आया है पर इनडायरेक्ट भगवान से आया है तो अभी भी जो भी हम शास्त्र पढ़ते हैं जैसे महोपाध्याय यशो विजय महाराज साहब ने 118 शास्त्रों की रचना की है राइट right? अध्यात्म ज्ञान सार समाधि शतक आदि तो वो सभी अंग बाह उसको बोलते हैं ओके सो दिसन ऑफ श्रुत ज्ञान तो ये ये श्रुत ज्ञान का टॉपिक वेरी इंटरेस्टिंग है हम आ, आ, हम यहाँ पे आज का आ, ये खत्म करते हैं, पर नेक्स्ट टाइम हम और भी देखेंगे श्रुत ज्ञान के बारे में देर आर ट्वेंटी मोर डिविजन्स ओके ये फोर्टीन डिविजन्स है पर दूसरी अपेक्षा से आ, वो दूसरे बीस डिवीजन्स भी कर्म ग्रंथ में बताए हैं तो विल विल सी अनदर ट्वेंटी डिविजन्स इन द नेक्स्ट क्लास तो अभी इस क्लास में हम भगवान ऋषभ का जीवन चरित्र देखते हैं तो दिस इज द लास्ट क्लास फॉर भगवान ऋषभदेव जीवन चरित्र तो टूडे वी विल कंप्लीट भगवान ऋषभदेव जीवन चरित्र तो बिफोर वी स्टार्ट हम एक बार ना हम हम देख लेते हैं कि भगवान ऋषभदेव का जो जो तेरा भव है तो हमने देखा हमने स्टार्ट किया था धन्ना सार्थवा के भव से हम कोई भी तीर्थंकर का पहला भव जब उनको उसको सम्यक दर्शन प्राप्त होता है उसको पहला भव बोलते तो हमने देखा था कि इन धन्ना सार्थवास भव उन्होंने गोचरी दिया था महाराज साहेब को और तब उनको सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ था और फिर उन्होंने बारह वर्ष श्रावक के लिए थे और उनको समाधि मरण की प्राप्ति हुई और वो दूसरे भव में वो एक युगलिक हुए उत्तर कुरुक्षेत्र में जहाँ पे सदा फर्स्ट आ रहा होता है और जो भी जीव उत्तर कुरुक्षेत्र में जन्म लेता है वो मंद वाले होते हैं और वो निश्चय वो मर के देवलोक में जाते हैं तो भगवान ऋषभ देव का थर्ड भव फर्स्ट देवलोक में वैमानिक के फर्स्ट देवलोक में था उसके बाद भगवान ऋषभदेव का फोर्थ भव वो एक विद्याधर राजा थे महाबल करके विद्याधर राजा थे और यहाँ पे हमने देखा कि वो काफी भोग विलास में काफी काफी डूबे हुए थे पर उनको एक कल्याण मित्र मिला स्वयं बुद्ध और स्वयं बुद्ध ने महाबल को मार्ग पे लाया और महाबल राजा ने फिर लिया एक दि, दिन के के बाद वो सेकंड वो सेकंड देवलोक में गए और ललितांग देव बने और यहाँ पे हमने देखा कि वो उनकी स्वयं प्रभा देवी से वो काफी प्यार करते थे और यहाँ पे भी उनके उनके सेम कल्याण मित्र जो स्वयं बुद्ध थे वो वो सेम वो धर्म बने थे और उन्होंने वापस उनको प्रॉपर मार्क में लाया और उसके बाद वो मर मर के वो वज्रजंग राजा बने और यहाँ पे हमने देखा कि वो वज्रजंग राजा दीक्षा लेने के एक दिन पहले शुभ भाव में वो मर गए अपने अपने पुत्र से के द्वारा अपने पुत्र ने पॉइजन छोड़ा था रूम में और उसके कारण वो रात को ही सोते सोते ही मर गए पर वो शुभ भाव में मरे थे और इसके कारण वो सातवें भाव में वापस युगलिग हुए और आठवें भाव में वापस वो फर्स्ट देवलोक में गए और नाइन्थ भाव जो इम्पोर्टेंट भाव था वो उसमें वो एक डॉक्टर बने थे जीवानंद करके डॉक्टर और उन्होंने एक महाराज साहब का उत्कृष्ट सेवा की उन उन्होंने एक डिजीज को क्योर किया और उसके बाद उनके छह मित्रों ने दीक्षा ली और उसके बाद उन्होंने अनशन लिया छ मित्र ने और ऑल द छओ छः मित्र फिर बारह देव ट्वेल्थ देवलोक में गए इंटर टेंथ भाव दे ऑल वेंट टू द ट्वेल्थ देवलोक और वहां से भगवान ऋषभदेव का जीव वज्रनाथ चक्रवर्ती बना इन द इलेवेंथ भाव और यहाँ पे हमने देखा कि वो चौदह बने उन्होंने की आराधना की और उसके बाद वो हाईएस्ट विमान सर्वसिद्ध नाम के अनुत्तर विमान में गए इन द ट्वेल्थ भाव और इन द थर्टीन भाव हमने देखा कि वो माता मरुदेवा की कुक्षी में रत्न कुक्षी में वो जन्म लेते हैं तो हमने भगवान ऋषभ देव के जीवन चरित्र में थर्टीन भाव में काफी डिटेल में देखा कि पहले उनका च्यवन होता है चौदह स्वप्न माता को आते है इंद्र महाराज साहब आते हैं माता को चौदाह स्वप्न के मीनिंग बोलते हैं उसके बाद साढ़े नौ महीने के बाद भगवान का जन्म होता है फिफ्टी uh, सिक्स uh, दिक कुमारी उनका स्तिक कर्मा कली आती है उसके बाद सिक्सटी फोर इंद्रस और करोड़ों देवता मेरू पर्वत पे उनका जन्म महोत्सव करते हैं उसके बाद हमने देखा उनकी राज्य व्यवस्था ही टीचेज द सेवेंटी टू स्किल्स यू नो जैसे टेक्सटाइल क्लोथिंग पॉलिटिक्स सभी साइंस कुकिंग सब कुछ वो सिखाते हैं और उसके बाद वो दीक्षा लेते हैं और उसके बाद हमने देखा कि उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है और अभी इन द लास्ट क्लास यू नो वील टॉक अबाउट द निर्वाण कल्याणक जो लास्ट कल्याणक है भगवान ऋषभ देव का हम हम उसकी बात हम करेंगे ओके okay? तो वन uh, डे uh, भगवान ऋषभ देव गोस टू माउंट अस्थापद Parvat purifying the earth with his feet, the Bhagwan sat in the samosaran made by the devatas, and he delivered a Desh deshna. Here, Bharat Maharaja also comes to listen to deshna in the samosaran on Astapad. He makes three pradakshinas and does the stuti of Bhagwan Rushabdev. Bharat says, "The world is adorned by you, like the night by the moon, like the sarovar, like the huns, like the face, like a like a tilak."

Interval between Naminath and Naminath will be 5 lakh years. Interval between Naminath and Parshvanath Bhagwan will be 83,750 years. And the last Tirthankar will be Mahavir Swami, and he will be 7 feet tall. And the interval between Parshvanath and Mahavir Swami will be 250 years. All the 11 Chakravartis will belong to the Gotra Kashyap. Bhagwan said there will be nine, nine black Vasudevs. सभी वासुदेवस ना वो काले यू नो काले शरीर वाले होंगे हाफ द पावर ऑफ दे विल थ्री पावरवर्तीन प्रति ऑफ फाइट अगेंस्ट द कश्यप एंड देश फ्रॉम देर ओन चक्र दैट विल फॉल इन देंड ऑफ वासुदेव देर विवस एंड बी राम

Has acquired anantadu mandi karma and increased his Bhav, bhavayushya by one kodakodi sagaropam, by one's false statement. He will become the first vasudev called Tripushta vasudev. In course of several bhavs in the eastern Vine in the city of Mukha, he will become a chakravarti. After that, he has wandered this sansar for countless bhavs and for long time he will become the 24th Tirthankar Bhagwan Mahavir Swami in this Bharat -shetra. When he heard this news, Bharat Maharaja, he departed the Samosaran and went to honor uh, Marichi. He says to Marichi, I do not honor you because you will be the first Vasudev. I do not honor you because you will be the Chakravarti. I do not even honor you because of your three Dandi Vesh. But I honor you because you will be the 24th Tirthankar Paramatma of this Avsar kal. With this word, his folded hands, he does three Pradakshina of Marichi. Marichi, delighted by this speech, Began to speak joyfully and clapped his hands three times. He says, "If I shall be the first Vasudeva of this Bharat Chakravarti of the Vides, and the last Tirthankar of this Avasarpini Kal, I am very satisfied, because my grandfather is the first Tirthankar of this Avasarpini Kal. My father is the first Chakravarti of this Avasarpini Kal. I'll be the first Vasudeva of this Avasarpini Kal and also the last Tirthankar. My family is uttam." it is superior than all the other families and when he was saying that usko uh, usko you know if you remember bhagwan mahavir's last bow usko nich bhagwan because of this because of this Abhiman. so after that surround, surrounded by uh, rishabhdev bhagwan surrounded by Pundrik uh, gandhar and all the other gandhars bhagwan went elsewhere uh, purifying the earth and wandering from place to place. Bhagwan arrives at Satrunjay. Here, Bhagwan uh, sat down in the samosaran uh, made immediately by the devtas and delivers a desh deshna. The mounted repeated as it were by the echoes arising from the caves. Bhagwan stopped the Deshna on satrunjay Parvat after three hours at, has passed. He rose from the place and he sits in another, another uh, Sihasan made by Devta. And on the Bhagwan footstool, Pundrik Gandhar sits down to deliver a deshna. So Gandhar Bhagwan's Jo Deshna hoti hai, wo, it's, is as effective as Bhagwan's Deshna. So one day, after uh, uh, you know staying in Satrunjay for a long time, wishing to go elsewhere from Satrunjay, Bhagwan instructs Pundrik Gandhar that we shall set forth and go elsewhere, but you remain here on this mountain, surrounded by five crore munis. Here, your Kevaljnyan and all the other followers will appear soon by the power of this Kshetrunjai Shetra. Your moksha and theirs will take place soon after you are engaged in saileshikaran Karan here on the mountain. Punrik Gandhar stayed there with five crore munis, leaving him Bhagwan went elsewhere with his followers. Punrik Gandhar remained there on mountain with the munis. They took Sanlekna, Dravya Sanlekna, and Bhava Sanlekna.

Saying this, he, he and all the munis undertook upfas till death without any exception. Pundrik Gandhar was mounted on Sapakshani. His Gati karmas broke at once. Similarly, Gati karmas of five crore munis also broke. At the end of one month, on night of Chaitri Punam, Kevalnyan became, became apparent to Pundrik Gandhar and all the other Mahatmas. Uh, he, uh, uh, after that, he engaged in Sileshi Karan. विच इज उन्होंने मन वचन काया के द्रव्य योग को रूंधा और उसके बाद उनका निर्वाण हुआ सो so, uh, शत्रुंजय से uh, और उनका और फाइव करोड़ मुनिस का निर्माण हुआ एंड 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 फॉर दिस रीजन हम चैत्र पूनम की आराधना करते हैं इफ़ यू रिमेम्बर चैत्र पूनम आराधना वी डेड राइट इन बिफोर फ्यू मंथ्स तो उसमें हमने पुनरी ग्रंधर और पाँच करोड़ मुनि शत्रुंजय पर्वत से वो मोक्ष में जाते हैं इसलिए वी आर डूइंग वी आर परफॉर्मिंग आराधना So, wandering in various countries, Bhagwan gave the gift of moksh Marg to Jews of all this Sansar. There were Bhagwan ke sadhus, there were 84,000 sadhus, 300,000 sadhvis, 350,000 shravaks, 554,000 shavitas, 4,350 chaudpurvis, 9,000 sadhus with, with audignyan, 20,000 kevalgnani sadhus, 20,600 sadhus with Vaikriya Labdi. 12650 sadhus with manaprayagnaan 22000 sadhus who will go to the anuttar viman the highest devlok in the next bhav it has been 1 lakh purva since bhagwan took diksha knowing that it was time for his own moksh. bhagwan went to mount astapad he went gradually to mount astapad together with 10000 munis and bhagwan took padpo gaman ansan for 7 days the mountain guards went quickly and announced to Bharat Chakravarti that Bhagwan has taken path Gaman Ansan. When he heard this news, Bhagavan's, of uh, Bhagwan's rejection of fourfold har, he was pierced by grief like a nail that had entered his body. He at once touched by the great uh, great fire of grief, he shed tears. With his family oppressed by pain, hard to restrain, the Bharat Chakravarti set out on foot to Astapad. It disregarded all the stones and thorns streams of blood flowed from his feet injured by the stones on the course uh, of his footstep towards asthapad parvat on his way bharat maharaja ignored offerings of the people thinking there must be no delay even though he had umbrella over his head he was very heated because of the heat of his mind the, the king did not know that his pearl necklace which was shaken constantly because of his speed was broken by striking against his chest Bharat Maharaja arrives at Astapad, filled with both joy and sorrow. The Chakravarti saw Bhagwan seated there in the Asan. After making three pradakshinas and doing vandan, he sat near the uh, Bhagwan like like a shadow. The, the thrones of the Indras shook, knowing by avdignyan. Sixty four Indras went quickly to Rishabdev Bhagwan. After doing three pradakshinas, they also remained seated in great sorrow. When eighty nine Ahuratras

From the Nirvan Kalyanak of Bhagwan, there was happiness in the Jivas of Naraks uh, who had never experienced happiness in their lives. Immediately Bharat Maharaja, overcome by, by great grief, he fell fainted on the ground, like a mountain struck by thunderbolt. The Sakra himself cried, and seeing Sakra cry, all the other dev devatas also started crying. When Bharat Chakravarti regained consciousness, he cried loud enough to split the universe. From, the, from that time, crying came into existence as a matter of reliving sorrow and grief. Bharat Maharaja spoke with grief, O father, O oh brother of the world, O oh ocean with water of compassion, why have you abandoned us, ignorant here in the forest of existence? How shall we live here in the existence without you, as in darkness without a lamp? Why are you silent? Bhagwan? please deliver deshna. Why you don't favour the people? Everyone in the family went to moksha except me, my father, my younger brothers, Bahubali and others, my sisters, Brahmi and Sundari, my son, Pundrik, my grandson, Shayans, and other, They all destroyed the karma and went to moksha while I live here. Seeing this, Bharat Chakravarti, extremely depressed by the fact that he is alive, because of his grief and wishing to die, Sakra Indra began to enlighten and console him. He says, Sakra Indra says to Bharat Maharaja, Hey, Bharat Chakravarti, King of Bharat Bhagwan crossed the ocean of Sansar and led others across the ocean of Sansar for so long a time. Other Jews belonging to Sansar will for a long time will cross the ocean by Tirth founded by him. He, after accomplishing his own purpose, devoted himself to helping the other people accomplish their purpose for one lack of Purva. When he has favored all the people, why do you grieve? for Bhagwan who has attained the moksh and from which there is no return. You can only grieve for, grieve for a person who is going to be in this sansar and doing janma maran and experiencing the pain of the sansar. Any man who has heard the Bhagwan's deshna cannot be overcome by grief or joy. O King, this wailing of yours is unnatural and it is trembling the oceans and shaking the meru parvat. Remember you are the son of Bhagwan and the sole resolute of three worlds thus enlightened, the bharat maharaja regained his nat natural resoluteness and, and coolness. the obyogik devtas, they promptly brought the, brought the material for the cremation of bhagwan. on sakras' command, devtas instantly brought from the garden of nandanvan Gosirsa uh, uh, sandal as a fuel. A at indras' command, they made a round funeral uh, pyre of uh, Gosirsa sandal in the east for the Bhagwan. Triangular pyre in the south for the great sadhus or the Ishwakukul, and for all the other sadhus, a rectangular pyre. Vasava brought water from Sir Samudra and bathed the Bhagwan's body and anointed the body with the Chandan Lep. They clothed Bhagwan with the garment of fine cloth and adorned body with divine ornaments. Other devtas did at once the bathing of all the other sadhu Bhagwans who had gone to moksha. They, they put the bodies on the pyre and lighted the pyre so Vayakumar kumar created winds and that quickly ignited all the all the fire on all the sides when the elements except the bones had remained make kumar devta extinguished the fire with the water Sakrindra took bhagwan's right upper tooth to his uh, devlok for worship ishan indra took left molar tooth to his uh, devlok for worship Charmendra took the left lower ring tooth and all the other Indras, 64 Indras, they took uh, the teeth in their palaces. People uh, took the ashes and devotedly worshipped the ashes. In the place where there were three py pyres, devtas made three stoops. Uh, it resembled the three peaks of Mount Astapad. Here, Bharat Maharaja very slowly freed from sorrow and gradually resumes the normal life. सो अभी देखते हैं कि भगवान ये भरत महाराजा का मोक्ष कैसे होता है सो वन डे वेन टेकन इज बाथ हिज बॉडी एनॉइटेड विद घोशीर्ष चंदन वेरिंग प्राइसलेस डिवाइन ज्वेल ऑर्नामेंट्स ही वेंट टू द रूम मेड अप ऑफ मिरर्स वेन भरत महाराजा वॉज लुकिंग एट हिज बॉडी अ रिंग फेल ऑन द ग्राउंड फ्रॉम हिज फिंगर ही डि नॉट नो द रिंग एट फॉलन फ्रॉम हिज फिंगर ही लुक्ड ओवर हिज बॉडी gradually the chakravarti saw the finger without the ring like the moon without the moonlight what's this why is my finger lacking the beauty then the king saw the ring fallen on the ground wondering are all the other parts of the body devoid of beauty if they have no ornaments he began to take out all the other ornaments first he removed the jeweled mukut and so and saw his head without it looking like a ring without the jewels he took off his earrings and saw his poor ears deprived of them. He removed his necklace and saw his neck without the beauty, like a river without the water. He removed his armlets, bracelets, rings of his fingers. He gave up all his anklets and saw his foot. So the ornaments being gradually removed from his body, seeing himself without beauty, like a tree whose leaves have perished, Bharat reflected. The beauty of this body is only gained by ornaments, like the wall of the paintings. This body is polluted both inside and out by the impurities. The people who are disgusted by this body, they practice mahavratas and they go, go to moksha. As he was reflecting this, rightly in this way he ascended on Sapakshani, from the Apurva Karan and attained Sukladyan. Kevaljnana became manifest by the destruction of karmas, like light of the sun from the removal of clouds. The Indra's sh uh, throne shook and they went to Bharat Kevali with devotion. Sakra said, Oh Kevali, adopt this sadhu vesh in the uh, in, in order that we can do Vandan. Bharat did the Panch Mushti Loj and became a Kevali sadhu. The Bharat Kevali was worshipped by Sakra and 10,000 kings became sadhus under Bharat Kevali. From the time of Kevagnyan, Bharat with his followers wandered like Bhagwan Rushabdev through villages cities forests towns mountains enlightening bhavyas by preaching dharma for 1 lakh of purvas then going to astapad bharat kevali made the rejection of four folahar and went to moksha bharat passed 72 lakhs of purvas as prince 1000 years as king around 6 lakh purvas as chakravarti 1 lakh purvas as kevali sadhu he lived total of 84 lakh of purvas like Bhagavan Rushabdev. एंड देव हुए ब्लूम्ड आउट इंस्टेंटली मेड द मोक्ष फेस्टिवल ऑफ भरत महाराजा सो यहाँ पे एंड द भगवान ऋषभ देव जीवन चरित्र एंड इन द नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट विद भगवान अजित नाथ जीवन चरित्र ओके तो आफ्टर इलेवन क्लासेस वी कम टू एंड ऑफ दीर्थंकर द अदर तीर्थंकर का इतना लंबा नहीं होगा यू you नो know, थोड़े तीर्थंकर का लंबा होगा शांतिनाथ भगवान महावीर स्वामी भगवान पार्शनाथ का उनका लंबा होगा पर बाकी तीर्थंकर का तीन या चार भाव होंगे मोस्टली सभी तीर्थंकर परमात्मा के ओके okay? तो इफ यू 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 हैव एनी क्वेश्चंस कैन कैन आस्क नाउ एनी क्वेश्चंस ठीक है कोई क्वेश्चन नहीं है तो वी कैन वी कैन से नौकार मंत्र एंड विल एंड द सेशन ओके नमो अरियंतारम नमो सिद्धारम नमो आयरियानम नमो वज्रायानम नमो लोहे सव साहुनम है सो पंच नमुकारो सव पाव प्राणसनो मंगलारंच सव्य सिंह परम मवि मंगलम जी नाग्निया विरुद्ध बुलायो तो मिच्छा मिलो प्रम थैंक यू एवरीवन चैतल भाई खूबज अनुमोदना ने खूबज एकदम તમે વધારે ટાઈમ આપો છો અમારા કરતા અમે ભાગ્યશાળી છીએ કે તમે અમને સમજાવો છો આવું સરસ રીતે થેન્ક યુ સો મચ થેન્ક 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 યુ 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 જય જય જીવ